नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल SKC वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को MA हिंदी के पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपको MA हिंदी 4th सेमेस्टर पेपर कोड 16 समकालीन हिंदी उपन्यास पेपर के बारे में बताऊंगी, जो पेपर जुलाई 2021 में आया था। इसमें हमें 3 प्रश्न आते हैं, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें कुल 6 पहरे आते हैं और इन 6 पहरों में से हमें कुल 3 पहरे करने होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें 6 प्रश्न आते हैं और इन 6 प्रश्नों में से हमें कुल 3 प्रश्न करने होते हैं। इसका पहला प्रश्न है तमस उपन्यास की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है तमस उपन्यास के हरनाम सिंह अथवा नथु का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका तीसरा प्रश्न है अपने अपने अजनबी उपन्यास की अंतः वस्तु की विवेचना कीजिए। इसका चौथा प्रश्न है सेल्मा के पास कोई इतिहास नहीं है, केवल स्मृति है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसका पांचवा प्रश्न है आपका वंटी उपन्यास की शकुन का चरित्रांकन कीजिए। इसका छठा प्रश्न है आपका वंटी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार इसमें हमें 6 प्रश्न आते हैं और इसमें से हमें 3 प्रश्न करने होते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के अति लघु उत्तर दीजिए। इसमें हमें 5 प्रश्न आते हैं और ये 5ों ही करने होते हैं। इसका पहला प्रश्न है तमस का देश काल स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका वंटी उपन्यास में किस समस्या की प्रमुखता है। तीसरा प्रश्न है अपने अपने अजनबी की भाषा संरचना कैसी है। चौथा प्रश्न है आपका वंटी की आधुनिकता रेखांकित कीजिए। पांचवा प्रश्न है क्या तमस को हिंदी का प्रतिनिधि उपन्यास कह सकते हैं, अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार इसमें हमें 5 प्रश्न आते हैं और ये 5ों के 5ों ही करने होते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।